हाय, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आए हुए मेल का रिप्लाई करने के लिए हम क्या-क्या एक्शंस ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मेल थ्रेड को खोलें। इस मेल थ्रेड को खोलने के बाद आपको स्क्रीन के बिल्कुल राइट में एक एरो दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके हम मेल का रिप्लाई कर सकते हैं। उसके ठीक बगल में मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके भी हम मेल का रिप्लाई कर सकते हैं। अपना रिप्लाई लिख लेने के बाद हम सेंड बटन दबा के अपना रिप्लाई भेज सकते हैं। अपने मेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए हम ये सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर हमें इस मेल को नहीं भेजना है तो हम सबसे राइट कॉर्नर में जाके डिस्कार्ड ड्राफ्ट पे क्लिक करके इस रिप्लाई को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी मेल थ्रेड में एक से ज्यादा लोग हैं तो आप सभी को रिप्लाई करने के लिए रिप्लाई ऑल का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको एरो के बगल वाले मोर ऑप्शन में भी मिल जाएगा। यदि आप इस मैसेज को किसी और ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फिर से मोर ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के लिए आप टू में अपने रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस को डाल सकते हैं और उसके बाद सेंड बटन दबा के इसे भेज सकते हैं। अगला ऑप्शन है मार्क अनरेड। मोर ऑप्शंस में जाके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को यानी मार्क एस अनरेड को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ईमेल अनरेड मार्क हो जाएगा, जिससे कि हम जब चाहे उसे दोबारा खोल के पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने मेल को सेंड नहीं करते और अपनी ईमेल थ्रेड को क्लोज कर देते हैं तो आपका मेल ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। कंपोज बटन के ठीक नीचे वाले ऑप्शंस में ड्राफ्ट में जाकर आप दोबारा से अपने मेल को ओपन कर सकते हैं और जिसे भी आपको भेजना है आप उन्हें भेज सकते हैं।